अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा. मेरा देश भारत. भारत मेरा देश है. भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है. सृष्टि निर्माण और सभ्यता संस्कृति की उच्च धारणा के निर्माण की दृष्टि से हमारा भारत विश्व का प्राचीनतम देश है. भौगोलिक निर्माण की दृष्टि से भी भारत सृष्टि को सबसे सुंदर रचना है. कविवर माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में भारत की प्रकृति और रचना के बारे में कहा गया है कि तीन तरफ सागर की लहरें जिसका बने बसेरा, पतवारों पर नियति सजाती जिसका सांझ सवेरा. बनती हो मलाह मुटिया सतत भाग्य की रेखा, रत्नाकर रत्नों को देता हो टकरा कर लेखा. मात्र यही नहीं, सभी प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य और वैभव से संपन्न हमारा देश संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र भी है. अपने विस्तार में यह विश्व का सातवां महादेश है. 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को इसका संविधान लागू हुआ. अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. हमारे इस महान देश में यमुना, सतलुज, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियां बहती है और देश को हरा भरा बनाती है. भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है. मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है. हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं. दिवाली, होली, दशहरा, नाताल, बुद्ध पूर्णिमा, ईद आदि यहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार है. मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है. भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है. देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. बाघ राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय फूल कमल है. भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है. भारत की राजधानी नई दिल्ली है. सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है. भारत की करेंसी रुपया है. भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है. यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया है. राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम आदि महापुरुष हमारे आदर्श है. भारत को वीरों का देश भी कहा जाता है, जहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे जैसे बहुत से वीर हुए हैं. भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि शत्रुओं से लोग मुकाबला कर रहे हैं. देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए देश का हर नागरिक सिपाही है. वह योद्धा देश का सिपाही है जो सीमा पर लड़ता है. वह किसान देश का सिपाही है जो खेत में हल चलाता है. वह शिक्षक भी विद्यालय में पढ़ाता है. वह विद्यार्थी देश का सिपाही है जो कल राष्ट्र की सेवा करने के लिए आज योग्यता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. देश का गौरव बढ़ाना ही प्रत्येक नागरिक का लक्ष्य हुआ करता है. हमने अपनी एकता से ही देश के गौरव को अक्षुण रखा हुआ है और आगे भी हमेशा बनाए रखना है. मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ. मुझे भारतीय होने का गर्व है.